ये फिश आपको लग सकता है, लेकिन ये वेजिटेरियन फिश है। ये अब जमीन को आके मिली है। कहाँ से इसे देखते हैं, अंदर स्नेक है, स्नेक दिखाई दिया है। एक्सपर्ट सैक वर्क। नीचे बैठोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर खासियत ये है कि उस मंदिर के अंदर भगवान नहीं है। कितने लोग लगेंगे? तो 30 के आसपास तो आराम से। पाइड मलाबार हॉर्नबिल दिखे हैं, दो दिखाते हैं आपको। हम एक स्पेशल जगह पर आए हैं। एक्चुअली थोड़ा सा अंधेरा है, दिखने में शायद दिक्कत हो सकती है। हम पहुँचे हैं अब वानोशी करके एक छोटा सा गांव है तिलारी के यहाँ। तो वहाँ पर हम लोग अब पहुँचे हैं और यहाँ पर हम दो नाइट्स का स्टे करेंगे। एक होम स्टे है छोटा सा, बहुत सुंदर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और फिर यहाँ पर अभी जस्ट 2:30 बजे है, थोड़े से लेट हो गए हैं। रुकते रुकते बर्डिंग बर्ड वॉचिंग करते करते हम लोग यहाँ पर आ गए। और अब यहाँ पर पहले तो हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद अब यहाँ पे शेड्यूल डिसाइड करेंगे कहाँ पे जाना है, क्या जाना है, और आपको ले चलेंगे अलग अलग प्लेसेस पर। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये है होम स्टे। काफ़ी अच्छा लग रहा है होम स्टे। पहले से बुकिंग करके रख सकते हैं आप यहाँ पर। ये है रहने के लिए रूम्स, बहुत प्यारे रूम्स लग रहे हैं। देखिए, वाओ, ये एक रूम और इसके सामने रूम को नाम दिए हैं मलाबार। यहाँ पर दो दो बेड्स। पहले वाली जो रूम हमने देखी उसका नाम है पैराडाइज। एंड खाने का ठिकाना अब यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। पूरा वुडन फर्नीचर है। भूख लगी? बहुत लगी है, लगी है भाई। अरे बहुत भूख लगी है, खाना ला दो भाई। ये हमारा खाना आज का दोपहर का। ये फिश आपको लग सकता है, लेकिन ये वेजिटेरियन फिश है, पोटैटो है, ये फिश नहीं है, लेकिन दिखने में एकदम वेजिटेबल फिश लग रहा है। ये मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। खाना खाने के बाद इतना हेवी हुआ खाना, इतना बढ़िया खाना था कि थोड़ा सा सो लिए हम लोग। सब लोग थोड़ी देर सो रहे थे। अब उसके बाद अब 4:15 बजे हैं शाम के, चाय पी रहे हैं और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे बाहर। हम पहुँचे हैं देवराई, जहाँ पर हम लोग होम स्टे में रह रहे हैं। तो वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट का ये सफ़र है कार से। देवराई यानी यहाँ पर एक भी पेड़ काटने के लिए अलाउड नहीं है, पूरा संरक्षित क्षेत्र होता है ये। और देवराई में अगर कुछ पेड़ गिरता भी है तो उसे उठाया नहीं जाता, वैसे के वैसे रखना पड़ता है। बहुत सुंदर है, देखिए ज़रा।
ये है प्रवीण जी, ये हमारे गाइड है, इन्हीं का होम स्टे है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और कोकण सेफ मोमेंट में बहुत काम किया है और ये एक्सपर्ट है इस जंगल के। तो थोड़ा सा इनके साथ ही हम देख लेते हैं जंगल है क्या, थोड़ी सी ये जानकारी दे रहे हैं। आज अपन आलो है परमे गावातल्या शांतादुर्गा, सातेरी शांतादुर्गा देवराई मध्ये। परमे गावातली ही देवराई आहे। स्पेशालिटी या देवराईची आहे म्हणजे ही एंटारेडी ही हे क्लाइंबर आहे पूर्ण, हे खूप मोठं झालेलं आहे, 500 ते 600 वर्षापूर्वीचं क्लाइंबर आहे। ह्याचं बॉटनिकल नेम अँटाडा रिडी। आणि या ठिकाणी सीता अशोक हिन्नोकार्पस म्हणजे कवठीचं झाड आणि हे अँटाडा रिडी, तीन प्रकारची झाडं जास्त आहेत। किती एकर? बापरे, ही 2.5-3 एकर मध्ये पसरली, 500-600 साल पुराना। हे कवठीचं झाड आहे, त्याची फळं तुम्ही फ्रूट बघितलं तर चिकू सारखं असणार, चिकू सारखं असत। खातात का ते? खात नाहीत, पक्षी खातात। पक्षी अगर ये ग्रीन लाइकिंग है तो ये जंगल बहुत अच्छे क्वालिटी का है। ये इसके सिम्टम्स है, ये लाइकिंग इस तरीके से आना ग्रीन कलर का। ये थोड़ा सा ये जो क्लाइंबर है ना, इसे देखिए, ये अब जमीन को आके मिली है, कहाँ से इसे देखते हैं। ओह माय गॉड, और ये दो क्लाइंबर्स इकट्ठा होके जमीन में आ गए। देखिए ऊपर से, माय गॉड, सामने देखिए। ये है सीता अशोक, यानी इसको बोल सकते हैं कि माँ सीता जिस अशोक वन में रखी गई थी श्रीलंका में, तो वो पेड़ अशोका के इस तरीके के थे, तो इसे कहते हैं सीता अशोक इस पेड़ को। ये है जेली फंगी। बेसिकली देवराई किसे कहते हैं, ये सवाल कई लोगों को आया होगा मन में। देवराई ने भगवान देव भगवान के नाम से संरक्षित किया हुआ जंगल, जहाँ पर एक भी छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाना मना है। तो जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, पत्ते, पौधे, बड़े पेड़, गिरे हुए पेड़, सब यहीं पे रखा जाता है। ये भगवान के नाम से संरक्षित जंगल का एक छोटा टुकड़ा होता है। थोड़ी सी इसकी साइज़ देखिए, ये जो है ये इस पेड़ की मूलियाँ है और काफ़ी बड़ी है, लगभग 4 फीट ऊंची। अंदर स्नेक है, स्नेक दिखाई दिया है यहाँ पर, अंदर स्नेक है, काफ़ी बड़ा है, शायद कोबरा होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी यह अंदर गया है तो पता नहीं चलेगा, और हम उतनी रिस्क नहीं लेंगे कि अंदर जाके इस कैमरा को डाले और देखें कौन है भाई अंदर। तो चलिए यहाँ से निकलना ही अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारे स्नेक हो सकते हैं। ये एंट हिल्स, छोटे 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 एंट हिल्स। इतना बड़ा झूला, बहुत बढ़िया। लगभग 2.5-3 एकर का एरिया है ये देवराई का। सो तिलारी जंगल में आने के बाद प्रवीण जी ने पहली ही ऐसी जगह दिखा दिए, दिल खुश हो गया। हम सब लोग खुश है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लगभग मेरे चेहरे से आधे से भी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और निकले हैं बर्ड्स देखने के लिए। आवाज़ें तो बहुत आ रही है, बहुत साइलेंटली जाना होगा तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
बहुत बढ़िया जगह की गई है यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए। एक्सपर्ट्स एट वर्क, कुछ बहुत अच्छा बर्ड दिख रहा है ऐसा लग रहा है। बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह यहाँ पर बनाई है, लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे आके गप्पे मारने के लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसी बर्ड वॉचिंग की जो जगह बनाई है, टावर बनाया है, यहीं से एक छोटा सा स्ट्रीम बहता है। बहुत बढ़िया जगह है, आप भी आइए यहाँ पर। वहाँ से कुछ आवाज आ रही है, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है वहाँ पर। और ये है इसका फूल। अब हम है एक्चुअली बटरफ्लाई गार्डन में। थोड़ी सी धूप आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाई होते हैं, कल हमने देखे हैं, तो अभी सिर्फ शुरुआत है। इस वॉच टावर से देखने के लिए नीचे बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग बिजी है बर्ड वॉचिंग के लिए। ये जो रिसोर्ट है, जो होम स्टे है, हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके आसपास का फॉरेस्ट ट्रेल कर रहे हैं। ये पेड़ है बाइसन का, जिसे कहते हैं गवा, काफ़ी बड़ा है। अगर इंचों में बात करें तो ये लगभग 7 से 8 इंच बड़ा है लेंथ में, एंड विड्थ में लगभग 5 इंच के आसपास बड़ा है। सुबह का बर्डिंग का सेशन तो ख़त्म हो गया, अब हम जा रहे हैं होटल वापस और वहाँ पर अब ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे अगले सफ़र के लिए। अगला सफ़र है जंगल का ही सफ़र है, अलग अलग प्लेसेस आज हम लोग देखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी अभी कर दीजिए। अब हम निकल रहे हैं होटल के लिए। अब हम निकले हैं हमारे सफ़र पर जंगल की तरफ। ये है शंकर भगवान की देवराई, कल हमने दूसरी देखी थी दुर्गा माता की देवराई, ये है शंकर भगवान। लेकिन यहाँ पर खासियत ये है कि उस मंदिर के अंदर भगवान नहीं है, जो लाल जो यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पर, वो मंकी जो दिख रहा है ना उसके नीचे, वहाँ पर भगवान है। 2-2.5 एकड़ की ये देवराई शंकर भगवान के नाम से जानी जाती है, शंकर भगवान के देवराई इसे कहते हैं। और ये जो पेड़ है इसे कहते हैं महापुरुष, ये इस देवराई का सबसे ऊंचा पेड़ है और सबसे बड़ा। इसका स्पैन देखिए कितना बड़ा है, महापुरुष। हॅलो, बॉटनिकल नाव आहे टेक्रा मिला स्टुडिओ टोरा। आम्ही लोकली भाषेमध्ये इकडे शिडम किंवा शिडबा असं म्हणतो याला, शिडबा। आणि 500 ते 700 वर्षापूर्वीचं हे झाड आहे, त्याची लाईफ
आणि ह्याची घेरी आहे 24 मीटर, 22 ते 24 मीटर घेरी आहे, 22 ते 24 मीटर या एरियातला, म्हणजे वन ऑफ द बिगेस्ट ट्री या एरियातला, 500-700 साल पुराना पेड़। कितने लोग लगेंगे इसको घेरा डालने के लिए? 20-25 पूर्ण घेरा करायला 100 फूट लागतो। ओ माय गॉड, इस पेड़ के ऊपर पेड़ दूसरे आए हैं, देखिए ये एक पेड़, ये एक पेड़, यानी इस मेन पेड़ के ऊपर ये दूसरे पेड़ आए हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं तिलारी जंगल के पास वापस एक बार। अब यहाँ पर हमें पाइड मलाबार हॉर्नबिल दिखे हैं, दो दिखाते हैं आपको। दोस्तों आ गए हैं अब हम तिलारी डैम देखने के लिए। यहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों के लिए तो शेड नहीं है, लेकिन पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ से एक दिखता है बहुत सुंदर व्यू। तुम्हाला जे सगळे जंगल दिसते हे तिलारीच्या डॅमच्या वरचा आहे आणि या जंगलाच्या डावीकडे जी अख्खी रांग गेलेली डोंगर रांग दिसते ती वेस्टर्न घाटची क्रेस्ट लाईन किंवा ज्याला सह्याद्रीचा कणा म्हटलं जातं ती आहे। ह्याच्या खाली आपण आत्ता कोकणाच्या बाजूला आहोत आणि त्या क्रेस्टलाईनच्या मागच्या साईडला संपूर्ण डेक्कन प्लॅटू म्हणजे सह्याद्रीचं मुख्य पठार असा भाग आहे। अभी हम यहाँ पर है और ये पूरा एरिया इस तरीके से दिखता है। लेफ्ट साइड में अरेबियन सी, बजे है शाम के 6, अंधेरा तो अच्छा खासा होना शुरू हुआ है। अब हम एक स्पेशल जगह पर आए हैं, एक्चुअली थोड़ा सा अंधेरा है, दिखने में शायद दिक्कत हो सकती है। हम लोग आए हैं एक बुलबुलों का, यहाँ पे नेचुरली बुलबुलों का एक तालाब है, वहाँ पर हम लोग आए हैं। हमेशा बुलबुले आते हैं नेचुरली, शतकों से आज जाके मुझे ये पता चला है और मेमोराइज हुआ है तलकट। अदरवाइज मैं बोल रहा था तेलकट, तुपकट, जड़कट, इस तरीके से इसको हम सब लोग बोल रहे थे। हम सब लोग ना स्पेसिफिकली मैं बोल रहा था। घने जंगल से अब गुजरेंगे हम लोग। सफारी में जाना किसी जिप्सी में और यहाँ पर ऐसे पैदल घूमना बहुत बड़ा डिफरेंस है। पसीने पसीने हो गए हैं। 3.5-3.5 महीने की 2 साइकिल सफ़र किए थे मैंने। सुंदर नक्काशी की गई है, लगभग 500 साल पुरानी। और अब हम लोग जा रहे हैं एक ट्रेल पर, नदी किनारे एक ट्रेल पर जा रहे हैं। उस टाइम ये एक पेड़ शायद गिरा होगा और ये है उसके फॉसिल।